हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? जिस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश के फ्लो को पता करते हैं, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को पता करते हैं, उसी तरह से फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में हम फंड्स के फ्लो को पता करते हैं। ये उसका स्टेटमेंट है, फंड्स के फ्लो का, फंड्स के इनफ्लो और आउटफ्लो का स्टेटमेंट है। अब बात आती है फंड्स का मीनिंग क्या है। तो फंड्स का मीनिंग है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिर्फ करंट एसेट्स होता है, पर नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करेक्ट? तो यहाँ पर हम फंड्स के फ्लो का स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें तीन स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर हम इसको स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और थर्ड है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम तीन स्टेटमेंट बनाएंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं ये मानकर चल रही हूँ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ चुके हो। ये वीडियो जब आप देख रहे हो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आता होगा, तो मैं आपको इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट से लिंक करके बताऊंगी। और इन केस आपने नहीं पढ़ा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आप इसको सेपरेट भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही आप फंड फ्लो स्टेटमेंट कर पाओगे, ज़रूरी नहीं है। आप इसको थोड़ा सा सेपरेटली भी समझ सकते हो। मैं आपको इसको थोड़ा लिंक करके बताती हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें क्या होता था? फर्स्ट कैश फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। और उसमें हम लेते थे, ये कैश है, उसमें हम लेते थे नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट में हम प्लस या माइनस करते थे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। राइट, उसके बाद हम प्लस या माइनस करते थे इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, या फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में। उसके बाद हमारा आता था नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, फिर उसके बाद हम, ये तो हो गई ए, एक्टिविटी ए। इसी तरह से एक्टिविटी बी होती थी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। राइट, सी होती थी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना। अब इसमें जो ये दो स्टेटमेंट बन रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एक एडजस्टेड पी एंड एल और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये कैश फ्लो तो नहीं, यहाँ से लेके नेट प्रॉफिट से लेके ये वाला पोर्शन से बन जाएगा आपका एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, और ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाले पोर्शन से बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ इससे प्लस इन दोनों के कंपोनेंट भी लेंगे, वो मैं बाद में बताती हूँ, अभी आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। इससे बनेगा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है? स्टार्ट करें। अच्छा एक बात और, नेट प्रॉफिट की जब कैलकुलेशन करते थे तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते थे, उसमें हम प्लस करते थे प्रपोज डिविडेंड, कौन सा वाला, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर वाला, क्योंकि लास्ट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड इस ईयर में पे हो गया होगा, पेड हुआ होगा, है ना, इसलिए। और डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर, अगर कुछ आपको अलग से एडजस्टमेंट दी है कि डिविडेंड इस ईयर में कुछ पे हुआ है तो डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो इंटरिम डिविडेंड हो सकता है, वो प्रेफरेंस डिविडेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो वाला डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व्स और फंड्स, ठीक है, ये चीज हम प्लस करते थे नेट प्रॉफिट में। अब आपको एक लिंक करके बताती हूँ आगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि आपको याद होगा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो उसमें नेट प्रॉफिट में से वो सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर देते थे जो नॉन ऑपरेटिंग है, तो ये एक्सपेंसेस यहाँ वही वाले लिखे हुए हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, और यहाँ पर वो इनकम लिखी है जो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। अच्छा, आप इसको इस फॉर्मेट में भी बना सकते हो, प्लस आप इसको इस फॉर्मेट में भी बना सकते हो जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये वाला बिल्कुल आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह बनेगा। आपका हल्का सा आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, बहुत सिंपल है, जैसा अगर आप ये समझ लेते हो एडजस्टेड पी एंड एल तो ये बना लोगे, आपकी मर्जी, आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कैसे है ये। तो आप इसमें स्टार्टिंग में लिखते थे नेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट से लेते थे, ऐड कर देते थे कुछ एक्सपेंसेस जो नॉन ऑपरेटिंग हैं, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, है ना, और वो इनकम्स लेस कर देते थे जिसको हम ऐड कर चुके हैं जो नॉन ऑपरेटिंग थी, ठीक है। और फाइनली हमारा आ जाएगा यहाँ पर नेट फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, नेट प्रॉफिट लेंगे, ये सारे एक्सपेंडिचर, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है, यही वाले सारे आइटम्स आपको यहाँ लिखने होंगे एडिशन में, और माइनस में क्या लिखने होंगे, ये वाले सारे आइटम्स जो आपने इनकम्स हैं आपकी बेसिकली वो वाली यहाँ लिखनी होंगी, ठीक है। आंसर आपका बिल्कुल सेम आने वाला है ना, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी देती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर बैलेंस बी डी होता अगर 60,000 और सीडी होता 80,000, ठीक, और दो कुछ भी दो चीजें उठा लेते हैं, मान लेते हैं डेप्रिसिएशन होता 10,000 और लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट होता 5,000, ठीक है, सिर्फ यही, बाकी कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो 80 प्लस 90 95 60 गए तो कितना बचा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता हमारा 35,000, ठीक है। अभी इसको यहाँ ले लेते हैं 80,000 बैलेंस सी डी और बी डी 60,000 माइनस करके नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारा 20,000, डेप्रीसिएशन कितना है 10,000, 5,000 लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट और कोई कंपोनेंट है नहीं, तो ये आ गया आपका 35,000, मैच कर गया। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब एक बार इसके कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चलिए, फर्स्ट है डेप्रीसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, गुडविल राइट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग। अब ये जो कंपोनेंट बचते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड, प्रीवियस ईयर वाला है तो पेड हो जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी फंड, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है, ये जो अभी मैंने बताया था नेट प्रॉफिट की जब हम कैलकुलेशन करते थे तो हम इसको वहां पर प्लस कर देते थे, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम यहाँ पर आकर इसको प्लस नहीं करते थे इन कंपोनेंट्स को, पर हम इन कंपोनेंट्स को किस में प्लस कर देते थे? नेट प्रॉफिट में। अब जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे, बात एक ही है। उसको नेट प्रॉफिट में प्लस कर दिया था वहाँ पर, बाद बाकी की चीज़ें बाद में प्लस की थी, इसमें हमने सबको एक ही जगह पर प्लस कर दिया है। क्लियर है? और यहाँ पर आ जाएंगी हमारी वो इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिफंड ऑफ टैक्स, ये वाला कंपोनेंट नया है। रिफंड ऑफ टैक्स, कोई भी रिफंड मिला है अगर टैक्स का तो वो इसमें आ जाएगा। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये कुछ भी रिसीव हुआ है, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुई है, वो सारे भी इसमें आ जाएंगे। बैलेंस फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ आएगा, और यहाँ अगर बचता है तो आएगा फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। क्लियर है? और ये बैलेंस सीडी नेट प्रॉफिट का, और ये वाला भी नेट प्रॉफिट का, ये आपको पहले से ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर भी हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के चेंजेस को इंक्रीज या डिक्रीज बोलेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, वही बन जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब बात आती है कि चेंजेस को रिकॉर्ड कैसे करना है। तो वर्किंग कैपिटल या कह लो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट्स आपकी है 10, करंट लाइबिलिटी है 8, तो नेट वर्किंग कैपिटल हो गई 2। अब मान लेते हैं करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज करके हम कर देते हैं इसको 12 माइनस 8 कितना हुआ? 4। तो करंट एसेट्स इंक्रीज हुई तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी को इंक्रीज करके देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी, फॉर एग्जाम्पल ये हुआ 10 और ये पुरानी एग्जाम्पल से चल रहे हैं, करंट लायबिलिटी हो गई हमारी 9, तो नेट वर्किंग कैपिटल हो गई हमारी 1। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज बढ़ने से नेट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई। क्लियर है? नेट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गई। ठीक, तो इसका रिलेशन क्या बना? करंट एसेट्स बढ़ेगी तो नेट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी, और करंट एसेट्स घटेगी तो नेट वर्किंग कैपिटल घटेगी। करंट लायबिलिटीज बढ़ेगी तो नेट वर्किंग कैपिटल घटेगी, करंट लायबिलिटीज घटेगी तो नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। यहाँ पर आपका सेम रिलेशन हो गया और यहाँ पर आपका ऑपोजिट रिलेशन हो गया। ठीक है, कैश इन हैंड, फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड यहाँ पर है आपका प्रीवियस ईयर में है आपका 10,000 और करंट ईयर में हो गया वो 15,000, तो 15,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब क्योंकि ये करंट एसेट्स है तो ये सेम रिलेशन लेंगे इसका, तो 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ है तो उसे प्लस में लिया जाएगा और 5,000 इंक्रीज में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बिल्स रिसीवेबल मान लेते हैं आपका पहले था 8,000 और अब हो गया 6,000, तो ये आ जाएगा आपका डिक्रीज में। क्लियर है? इसी तरह से ऑपोजिट हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज में, राइट? उसके बाद में आप वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, ए और बी को माइनस करके, इनके टोटल को माइनस करके, और यहाँ पर कुछ इंक्रीज है डिक्रीज आएगा। क्लियर है? और इसकी फिगर इंक्रीज है डिक्रीज यहाँ फिगर से मैच करनी चाहिए, और ये आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं एक वीडियो और बनाऊंगी क्वेश्चन की, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फाइनली आएगा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट जो हमने स्टेटमेंट बनाया था एडजस्टेड P&L, उससे कुछ फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन आया होगा, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन को हम लिखेंगे सोर्सेज ऑफ फंड साइड में। सोर्सेज ऑफ फंड मीन्स पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ से आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड मीन्स फंड कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन मींस सोर्सेज ऑफ फंड में आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है दो एक्टिविटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट की, दो एक्टिविटीज जो बच गई थी उनकी। कौन कौन सी बच गई थी? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दो बच गई थी ना, तो उन दोनों के कंपोनेंट को ही हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिख देंगे। ठीक, तो फंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या स्टार्ट कर लेते हैं फंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। तो फंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहाँ कहाँ से आ सकता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से फंड कैसे कैसे आ सकता है, जब हमने इशू किया हो शेयर को, डिवेंचर इशू किया हो, लोन रेज किया हो या लोन लिया हो किसी से, ठीक है, ये तीन तरीके से पैसा आ सकता है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा जा कैसे सकता है, रिडेम्पशन किया हो प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर का रिडेम्पशन किया हो, लोन को रीपे किया हो, पेमेंट किया हो डिविडेंड का, पेमेंट किया हो इंटरेस्ट का, क्योंकि डिवेंचर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो उन पर हमको डिविडेंड इंटरेस्ट भी तो देनी पड़ेगी ना। तो ये हमारे हो गया इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये वो वाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कॉम्पोनेंट आ गए। क्लियर है। अब बचता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, अब बचता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन से वाले कंपोनेंट आते थे, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो दोनों मिला के। चलिए, फर्स्ट है पैसा कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जाएगा ना, जाएगा कैसे, परचेज कर रहे हैं फिक्स असेट को या नॉन करेंट असेट को, तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं। उसी तरह से परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ों से पैसा जा रहा है इन्वेस्टमेंट में। और आ कैसे रहा है, सेल ऑफ नॉन करेंट और फिक्स असेट्स, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और पैसा कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट से, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमको इंटरेस्ट भी मिल सकती है, रेंट भी मिल सकता है और डिविडेंड भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट से इनकमिंग, और ये हो गई आपकी आउटगोइंग फंड की। क्लियर है। एक चीज और आती है यहाँ पर, पेमेंट ऑफ टैक्स। आपको याद होगा जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो फाइनली जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते थे तो उसमें एंड में इनकम टैक्स को माइनस करते थे। यहाँ पर क्योंकि हमने इनकम टैक्स को माइनस नहीं किया है कहीं पर भी, तो ये इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स कहाँ पर आएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपका आ जाएगा पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर। अब आपका कुछ एक बैलेंस बच रहा होगा, या तो ये साइड सोर्सेज ऑफ फंड साइड बच रहा होगा या फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड साइड बच रहा होगा। अगर यहाँ बचता है वो आपका होगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और यहाँ होगा तो आपका हो जाएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और ये जो बैलेंस है वो आपका ये वाला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज या डिक्रीज से मैच करना चाहिए। क्लियर है। एक न्यूमेरिकल और कराऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। चलिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।